सूखे नशे के खिलाफ छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने किया है। अंतर्राज्यीय नशीली दवाइयों की सप्लाई चेन पर राजस्थान के कोटा, बूंदी, जयपुर में दुर्ग पुलिस द्वारा छापेमारी की कार्रवाई किया गया। 1,60,44,000 रुपए से भी अधिक की नशीली टेबलेट और सिरप बरामद हुआ है। अंतर्राज्यीय मार्केट में भी थी सप्लाई, डार्क वेब के माध्यम से आरोपी जुड़े हुए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग के द्वारा विशेष टीम गठित कर राजस्थान में छापेमार कार्रवाई किया गया। दुर्ग जिला के थाना मोहन नगर के में अपराध नारकोटिक्स एक्ट में बेचना के द्वारा राजस्थान जाकर आरोपियों की पत्थरसाजी के लिए नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग मणिशंकर चंद्रा के नेतृत्व में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुश्रिया कांचा पांडे, निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी मोहन नगर, उप निरीक्षक चेतन चंद्राकर, चौकी प्रभारी जीवरा सिरसा, प्रधान आरक्षक जावेद खान, आरक्षक कांति शर्मा, गौर सिंह राजपूत की एक विशेष टीम बनाई गई, जिनके द्वारा राजस्थान के बूंदी में बायोलैब रेमिडिस के संचालक अंकुर पालीवाल द्वारा पूरे देश के विभिन्न राज्यों में तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बांग्लादेश में ऑनलाइन माध्यम से फर्जी कंपनियों को नशीली दवाइयां सप्लाई की जाती थी, इसको गिरफ्तार किया गया तथा अंकुश पालीवाल द्वारा अवैध रूप से जमा किए गए प्रतिबंधित नशीली टेबलेट और सिरप जब्त किया गया, जिसका मार्केट में कीमत 1,60,44,000 रुपए बताया जा रहा है। सूखे नशीले के खिलाफ छत्तीसगढ़ के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने किया है। इसी अपराध में दुर्ग जिला के वैभव खंडेलवाल एवं आकाशा खंडेलवाल द्वारा इंडिया मार्ट के साइड में जाकर एक फर्जी कंपनी वैभव फार्मास्यूटिकल बनाया गया था, जिसके द्वारा राजस्थान के अंकुश पालीवाल से प्रतिबंधित नशीली दवाई मंगाकर ऑनलाइन कंपनी इंडिया मार्ट में वायरस मेडिकोस के नाम से पूरे देश में अवैध रूप से नशीली दवाई सप्लाई की जा रही थी, जबकि उसके बहन आकांक्षा खंडेलवाल के द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में रिटेल में बेचा जाता था, जिसे दुर्ग पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी सप्लाई में कम से कम उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। उनके द्वारा यह बताया गया कि डार्क वेब का उपयोग कर उनको पता चला कि किस प्रकार से फर्जी कंपनी बनाकर अवैध रूप से नशीली दवाइयों का व्यापार कर पैसा कमाया जा सकता है। तब उनके द्वारा व्यापार करने का यह तरीका अपनाया गया। नशीली दवाई ऑनलाइन प्राप्त कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी, जिन्हें पूर्व में भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में अधिकांश आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक 520/2023 जो कि NDPS एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ है, इसमें आज हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है, जिसमें कि जो अवैध टैबलेट्स जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर की गई हैं, जिनकी के अवैध मार्केट ये जो चलाते हैं उसमें 1,60,40,000 के कीमत की दवाइयां इसमें जब्त हुई हैं। इस प्रकार चेन ऑफ इवेंट्स ये रही कि 22 दिसंबर को थाना मोहन नगर में अपराध रजिस्टर किया गया था, जिसमें कि एक महिला जो है जिससे कि टैबलेट्स रिकवर हुई थी, तो उसकी पूछताछ पर यह पाया गया कि वह और उसका भाई हैं, वो दोनों ये नशीली टैबलेट्स का कारोबार करते थे, ये ऑनलाइन टैबलेट खरीदते थे डार्क वेब के माध्यम से। ये ऑनलाइन टैबलेट्स का कारोबार के बारे में इनको ज्ञात हुआ और इन्होंने राजस्थान की एक कंपनी से टैबलेट्स खरीदी थी। उन टैबलेट्स का जो है उपयोग जो बेचने के लिए वो करते थे, उनसे उनको पहले गिरफ्तार किया गया। उनकी पूछताछ कर जो राजस्थान की जो कंपनी है उसके बारे में जानकारी हासिल की गई। हमारे CSP श्री मनीष चंद्रा और उनकी पूरी टीम वहां पे गई राजस्थान में, और उन्होंने 4-5 दिन तक वहां कैंप किया और जो अवैध कारोबार वहाँ पे जो टैबलेट्स का वो जो परचेज़ करते थे उनके वहाँ पे जाके छापेमारी की। प्रॉपर इसमें लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया था और अक्यूज के अरेस्ट के लिए वारंट जारी किया गया था। तो वहाँ पर तलाशी में जो सामान जब्त हुआ है उसमें अल्प्राजोलाम टैबलेट्स हैं, उनकी मात्रा है 11,34,000 टैबलेट। ट्रेमेडोल टैबलेट्स हैं वो हैं 46,080 लग, और बायोकैफ सिरप जो हैं वो 9,600 लग सिरप ये जब्त हुई हैं, जिनकी के
अवैध जो ये मार्केट चलाते हैं उसमें 1,60,44,000 की कुल कीमत है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई रही है, इनका आगे पूछताछ भी की जाएगी, जिससे कि जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में आया है ये कि काफ़ी प्रदेशों में और इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी ड्रग सप्लाई करते थे। तो इस प्रकार हमने एक छोटे से क्लू से एक बड़ी सफलता हासिल की है।